वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आपका लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट डिस्कशन के बारे में। सो मैं इस टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को, बेसिक से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम क्लास 11th। अगर आपको क्लास 10th में भी डाउट है तो मैं उसको भी, उसके भी डाउट्स को क्लियर करता चलूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 10th से लेके क्लास 12th तक पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे एंड अपन इसको जेई मेन्स से पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जेई मेन्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए। इसमें मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एंड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए मुझको, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन जानेंगे कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, ट्री, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के जो नेम है उसको ब्रेक करें, हमारे तीन वर्ड्स आते हैं, ट्री, कॉन एंड मैट्री। जो ट्री का मतलब होता है, ट्री का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो ट्री मतलब थ्री। ओके, थ्री। सो गॉन का मतलब क्या होता है हमारा? गॉन का मतलब होता है साइड, जो भी किसी की भी एक लेंथ, ब्रेथ, ऐसे करके साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं गॉन हिंदी में, अगर हम इनके हिंदी वर्ड्स देखें तो। एंड मैट्री का मतलब होता है मेजर, मतलब मेजरमेंट, किसी भी चीज का मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया थ्री साइड मेजरमेंट। ओके, थ्री साइड मेजरमेंट भी बोल सकते हैं आप, थ्री एंगल मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। सो एक जो ट्रिग्नोमेट्री है, पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एक परपेंडिकुलर साइड है, एक हाइपोटेन्यूस है एंड एक बेस है उसका। सो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है। देखिए, परपेंडिकुलर, बेस, हम जो हमारा राइट एंगल है उसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस एंड उससे जो लगा होता है, जो साइड लगी होती है उसको बेस बोलते हैं। सो एक जो ट्रिग्नोमेट्री, पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक डिपेंड है सिर्फ एक ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसकी तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ओके, एंड एक एंगल है थीटा, हमने एक एंगल मान लिया थीटा। सो ये वाला हमारा एंगल हो गया थीटा। ओके, नाउ अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके कुछ रेशियोज भी होंगे। सो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, सो साइन थीटा क्या होता है हमारा? जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। एंड थीटा से जो थीटा के डायरेक्शन में होती है उसको बोलते हैं बेस, एंड परपेंडिकुलर सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। सो साइन थीटा की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब पी बाय एच। पी बाय एच को हम बोलते हैं साइन थीटा। अगर मान लीजिए हमको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, सो साइन 30 की वैल्यू का करेंगे हम? पी की वैल्यू रखेंगे अपॉन एच की वैल्यू रखेंगे, तो साइन थीटा की हमारी वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा को बोलते हैं बेस, मतलब जो थीटा के एडजेसेंट में जो बेस होता है उसको, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो साइन थीटा हो गया हमारा पी बाय एच एंड कॉस थीटा होगा हमारा बी बाय एच। अब अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अगर हम बेसिक डेफिनेशन पी बाय एच एंड बी बाय एच रखेंगे, सो पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच कितना हो गया हमारा? पी बाय बी। सो पी बाय बी हमारा टेन थीटा हो गया। अगर कॉट थीटा निकालना है तो वन बाय टेन थीटा होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा। एंड अगर क्लास टेंथ के व्यूअर्स देख रहे हैं, सो साइन थीटा होता है हमारा पी बाय एच, कॉस थीटा होता है हमारा बी बाय एच, टेन थीटा होता है हमारा पी बाय बी। ओके, अब अगर हमको कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा देखना है तो ये तीनों का रिवर्स होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का। कॉट थीटा होता है वन बाय टेन थीटा, सेक थीटा होता है वन बाय कॉस थीटा एंड जो कोसेक थीटा होता है वो होता है वन बाय साइन थीटा। सो अगर आप साइन कॉस टेन की वैल्यू मालूम है एंड आपको सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इन तीनों को रिवर्स कर देंगे। सो ये हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अगर आपको ये इनके साथ डील करना आ गया, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना आ गई। ओके, सो अब देखते हैं हम कुछ हमारे मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, हमारे कुछ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल हैं। तो द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे, मतलब मेजरमेंट जो एंगल होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं?
कोई भी एक एंगल जो एक रे है उसके डायरेक्शन में अपन ने उसको रोटेट किया तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसी को हम उसका मेजरमेंट बोलेंगे। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक हमने एक रे मानी, सेकेंड रे मानी, उनके बीच में एंगल है थीटा। सो जो ए बी रे है, ए बी रे से जो हम एंगल उसको ऐसे मेजर करेंगे, एंगल जो विद द डायरेक्शन ऑफ बी सी रे, सो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको बोलेंगे हम थीटा। सो ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थीटा एंगल है हमारा वो रोटेशन का अमाउंट है, सो उसको हम थीटा बोलेंगे। अब जो एंगल होता है उनको हम तीन सिस्टम्स में मेजर कर सकते हैं। एंगल हमारा तीन सिस्टम हो सकता है, या तो डिग्री का सिस्टम हो सकता है, डिग्री का सिस्टम हो सकता है, या फिर रेडियन का सिस्टम हो सकता है, या फिर डिग्री ग्रेड्स का सिस्टम हो सकता है। ओके, हमारा जो एंगल होता है वो तीन सिस्टम्स में हो सकता है, डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। ओके, सो डिग्रीज, रेडियंस एंड ग्रेड्स में डी कुछ एक रिलेशन होता है, अगर आपने वो याद कर लिया तो आपको अपना सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सो हम कुछ उसको देखते हैं। डिग्री सिस्टम मतलब सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री सिस्टम। ओके, सो डिग्री सिस्टम क्या होता है? डिग्री सिस्टम वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो सबको मालूम है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। एंड वन डिग्री जो होता है हमारा, वन डिग्री मतलब अब हम एंगल को मेजर करेंगे काय में, थीटा में। सो जो वन डिग्री हुआ वो हुआ हमारा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को हम बोलते हैं वन डिग्री। लेट सपोज हमको कहीं एंगल दिया है 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम उसको देखकर घबराएंगे नहीं कि 60 मिनट ये एंगल क्या हुआ। 60 मिनट्स को क्या बोलते हैं हम? वन डिग्री, मतलब वो जो एंगल है उसका हम उसको डिफाइन कर रहे हैं मिनट्स में, पर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1 डिग्री। सिमिलरली अगर कहीं हमको दिया है कि एंगल कोई एक रे का कोई भी रोटेशन का एंगल कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब कितना हो गया 1/60 डिग्री, या फिर 1 मिनट को आप बोल सकते हैं 60 सेकेंड्स। सो अगर आपको एंगल कहीं दिया है कि 60 सेकेंड्स एंगल है तो उसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट, एंड 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 1/60 डिग्रीज। ओके, सो ये एक रिलेशन है। नाउ अब अगर आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल एंड रेडियस दिया है एंड लेंथ दी है। ओके, सर्कल दिया है, सर्कल से अपन को निकालना है, एंड सर्कल के साथ साथ आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है एंड रेडियस दिया है। तो लेंथ ऑफ एक रिलेशन होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क दी है एंड रेडियस दिया है तो आप थीटा को निकाल सकते हैं, इजीली थीटा को निकाल सकते हैं। सो एक ये रिलेशन है। अगर आपको जैसे सर्कुलर क्वेश्चंस दिए हों एंड उसमें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हो एंड थीटा पूछ रहा है वो, तो उसमें आप ये वाला रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, अब तीसरी बात करते हैं कि कुछ रिलेशन है रेडियंस डिग्री में। मैंने आपको बताया कि डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस होते हैं सिस्टम्स में। अगर आपका इनको रिलेशन याद कर लिया, अगर आपने इसके रिलेशन समझ लिया, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो अब हम कुछ रिलेशंस देखते हैं। सो फर्स्ट रिलेशन है हमारा रेडियन एंड डिग्री में, रेडियंस एंड डिग्री में। सो पाई, हमारा जो पाई रेडियन होता है इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। याद रखिए दोस्तों, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड लेंथ ऑफ आर्क वाला हमने अभी रिलेशन ऊपर देखा ही। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, अगर एरिया ऑफ सेक्टर दिया है हमको सर्कल का, तो हमको थीटा कैसे निकालेंगे? अगर एरिया दिया है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 r² × θ। ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 r² × θ। सो ये एक फिगर में हम समझते हैं। अगर हमको एक ओ ए एंड ओ बी रे दी है, एंड ए बी हमारा आर्क है, एंड आर हमारा रेडियस है, थीटा इनके बीच में एंगल है, एंड लेंथ ऑफ आर्क है दी है ए बी मतलब इक्वल्स टू 5 दिया है। सो इसमें जो रिलेशन होंगे, अगर आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, सो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया एल इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। सो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली आप इसको, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, एंड अगर वो कंप्लीट सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, मतलब 360 डिग्री कवर कर रहा है, 2πr कवर कर रहा है, तो उसका एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। बट अगर एक कोई भी सेक्टर, छोटा सा सेक्टर होता है जो थीटा एंगल पे होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है 1/2 r² × θ। क्योंकि जो पाई होता है, अब अगर यहाँ पर थीटा हो गया हमारा कितना 2π, सो 1/2 r² × 2π, सो पाई आर स्क्वायर बचा, मतलब एक हमने पूरा कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल दिया। सिमिलरली अगर सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, हमारा जो थीटा हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, सो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/2, तो सेमी सर्कल का एरिया बन गया। सिमिलरली अगर हमको कोई भी एंगल दिया हो, एनी एंगल फ्रॉम 0 to 180, 360, कोई भी एंगल दिया हो, हम उसको एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं।
अगर हम उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। सो दिस इज इट, ये हमारा डिग्री सिस्टम खत्म होता है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमको एंगल, किसी भी एंगल थीटा पर, किसी भी थीटा डिग्रीज पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालने में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुझको भी हुई थी, पर मैंने एक इसकी ट्रिक फाइंड की, मेरे टीचर्स ने मुझको ट्रिक बताई, सो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब अगर हमको कोई भी साइन ज़ीरो साइन 45 साइन 60 किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, सो हम हाल चुटकी भर में निकाल देंगे। सो साइन थीटा अगर ज़ीरो है, साइन ज़ीरो एक बार इसको आप चार्ट को पढ़ लें, साइन ज़ीरो ज़ीरो साइन 31 बाई टू साइन 45 वन बाई रूट टू, ओके। सो एक बार इस चार्ट को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, अपन इसकी ट्रिक पर जाते हैं डायरेक्ट। सो अब इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक रो में 0 1 2 3 4 लिख लें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक रो में हमने 0 1 2 3 4 लिख लिया, देन नेक्स्ट रो में लिखेंगे हम रिवर्स डायरेक्शन में 4 3 2 1 0। ट्रिक क्या है अपनी, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, रिवर्स डायरेक्शन में 4 3 2 1 0, ओके रिवर्स डायरेक्शन में लिखा। देन अब क्या करेंगे हम, सबको डिवाइड करेंगे 4 से, सबको हमने डिवाइड कर दिया भैया 4 से, सबको हमने 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, सबको स्क्वायर रूट करेंगे सबको। अगर आपको कोई भी वैल्यू निकाली, ये जो मैं आपको दो रो बता रहा हूँ ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू है, बाकी आप निकाल लेंगे। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को अपन अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें तो 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो क्या करना है हमको, ट्रिक क्या है हमारी, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, देन उसके बाद 4 3 2 1 0 लिखा, फिर डिवाइड किया अपन ने 4 से, डिवाइड कर दिया 4 4 4, सबको डिवाइड कर दिया। अब लेंगे हम क्या, स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। सबका स्क्वायर रूट लेने के बाद अब आपको वैल्यूज मिल गए। अगर आप 0/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये तो आपको मालूम होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 एंड 1 का होता है 1। सो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा, 1/2, ओके। सो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा, 1/2। 2/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, अब 2/4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। याद रखिए ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती इस तो इसको जल्द से क्लियर कीजिए, क्योंकि इसी के चलते अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं होंगी, अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद नहीं होंगे सो आप अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब √3/4, √3/4, सो 3 का रूट क्या होता है √3, एंड 4 का रूट होता है हमारा 2, सो इसकी जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। सिमिलरली 4/4 कितना होता है 1, एंड 1 का स्क्वायर रूट तो हमको सबको मालूम ही है जो होता है 1, ओके। एंड 4/4 सिमिलरली, अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है सो आप ऊपर वाले स्क्वायर रूट्स को समझिए एंड नीचे वाले को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि अपन ने हर चीज़ में रिवर्स डायरेक्शन यूज़ किया है। फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4, नेक्स्ट रो में 4 3 2 1 0, रिवर्स डायरेक्शन हुआ, अपन ने डिवाइड भी किया। देन उसके बाद अगर वैल्यूज लिखनी है सो अपनी साइन थीटा की वैल्यू, जो फर्स्ट रो है वो साइन थीटा की वैल्यू है, सेकंड रो है कॉस थीटा की वैल्यू, ओके। सो फर्स्ट रो की जो साइन थीटा की वैल्यूज है वो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये सारी हमारी वैल्यू है। अब इनको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सो 1 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यूज आ गई, अब इसमें एंगल हम देंगे, सो जो 0/4 है वो हमारा 0 डिग्री पर है, 1/4 हमारा 30 डिग्री पर है, 2/4 हमारा 45 डिग्री पे है, 3/4 का रूट हमारा 60 डिग्री पे है, 4/4 का रूट हमारा 90 डिग्री पे है। सिमिलरली ये कॉस थीटा के लिए भी चलेंगे। अब आपकी इससे वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, एक साइन थीटा की वैल्यू आ गई, एक कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, सो दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सो इन दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया हमारा। कॉस थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, अगर टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी तो 1/10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी आपने। अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है सो फर्स्ट रो को डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, सो 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा की वैल्यू निकाल दिए तो 1/cos थीटा। सो इसी के साथ हमने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया। हमने जाना कुछ ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस के बारे में, कुछ सिस्टम्स के बारे में, डिग्री रेडियन ग्रेड्स के रिलेशन के बारे में,
देन उसके बारे में हमने एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे साइन थीटा कॉस थीटा की क्या वैल्यूज होती है वो, एंड हमने उसके बाद देखा ट्रिक कि ट्रिक्स क्या है हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कैसे उनकी वैल्यूज को याद रखें, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर कैसे उनकी वैल्यूज को याद रखें, ये हमने इसकी ट्रिक देखी। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, कुछ डाउट्स हो मैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, एंड इस टॉपिक को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।